बिना सरकार के कोई काम नहीं होगा। बात करना एक लोग में सभा कर रहे हैं, मेरे से पहले किसी ने जिक्र किया कि जो देवलाल यहाँ से बोल रहे, डॉक्टर मंगल सैन यहाँ से बोले, मुझे भी याद है 1967-68 के जो चुनाव हुए थे, 1970 का चुनाव हुआ था, प्रताप सिंह जी ओम प्रकाश जी लड़े थे और इसी रोड में सभा होती थी। कारखाने में दफ्तर होता था और कारखाने के साथ एक बड़ा ग्राउंड होता था जिसमें गाड़ियाँ खड़ी आती तो शहर बसता तो जगह ही नहीं है। और इस लोग को आपने तब भी देखा, इस बाजार को आपने अब भी देखा, ये 2 साल में बाजार की शक्ल बदली है कि नहीं बदली? सारे खड़े 10 फुट छोटा बाजार हुआ है ना, सरकार की भी देख चुका। अब मैं थोड़ा सा आपसे बता रहा हूँ कि सबसे जरूरी ज्यादा आदमी के जीवन में बच्चों की पढ़ाई है और बेटे की पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी बेटी की पढ़ाई है। रानिया में कॉलेज गर्ल्स कॉलेज का बनाना जब सरकार आई तो रंजीत से मंत्री बना था कॉलेज बनाना शहर में। आज रानिया में लड़कियों का कॉलेज है, उनके ऊपर 27 करोड़ रुपया लगाए, ये सरकार से लगा। आप इस शहर में जब से बसे हैं, कोई 47 से पहले गए, कोई 47 के बाद बसा, तब से न गलत कह रहा तो बता दो, ट्यूबवेल का पानी पीते थे, अब आपका वाटर वर्क्स चल रहा है, बढ़ना शुरू हो गया, 50 करोड़ रुपया खर्च होगा, हर घर में वाटर वर्क्स का पानी है, ये छह महीने में आ जाएगा, ये सरकार की वजह से हुआ। नंबर 2, उत्तराखंड का पुल आपको याद होगा, थोड़ा सा सोच लो, मैं विकास की बात पे जा रहा हूँ कि पहले जो एक पुल बना है जो अहलाबाद रानिया के बीच में है, जो देवीलाल ने बनाया, अब कुत्तावट का जो पुल बन रहा है वो बन रहा है, शुरू हो गया, वो भाई रणजीत सिंह ने बनाया, माननीय मनोहर जी ने बनाया, हमारे अगला आपकी जो सड़क है तो कहा तो नहीं की तो अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता में बंदे हैं, मैं कह नहीं सकता, और जो हो गया उसका जिक्र कर रहा हूँ। सरसा से लेके रानिया तक, रानिया से लेके जीवनगर, जीवनगर से लेके डबवाली तक आपकी सड़क 23 फुट हो गई है, ये 21 फुट हो गई है। मुझे रोज लोग कहते थे कि ये सड़क ऊपर से छोड़ा दो, हमारी ट्रक अटते हैं, बसें अटती हैं, ट्रैक्टर ट्राली अटते हैं, झोना बीच में रह जाता है, हमारे होटल हमारे लर्मा बीच में रह जाता है। अब ये सड़क 23 से 33 फुट हो गई होगी जिसके टेंडर होंगे, ये बहुत बड़ा, इसमें 15 करोड़ रुपया खर्च होगा। अब आपसे बता रहा हूँ एक मल्टीपर्पज हॉल बना है जिसमें ऊपर बच्चों के लिए टेनिस खेलने का बनेगा, टेबल टेनिस का कोर्ट बनेगा, इंडोर गेम्स होगी, सारा एसी बनेगा, और किसी के कोई जन्मदिन का फंक्शन है, कोई और फंक्शन, छोटे मोटे घटना बना रहा है तो 20-30 हज़ार में 2 लाख रुपया रिजोर्ट के लिए देने पड़ेंगे। 8 करोड़ का मल्टीपर्पज हॉल आपके शहर में शुरू हो गया है, ये सरकार आने के बाद करा। 3 करोड़ रुपया पार्क जो ये जोड़ होता था काले से था, बहुत बुरी हालत थी, आपने देखा है शहर के लोग बैठे हैं, इसके ऊपर 3 करोड़ रुपया सरकार से टैक्स हो गया, काम शुरू हो गया, 3 करोड़ रुपया काले से लग गया, 2 करोड़ रुपया अम्बेडकर टॉवर पे लग रहा है। ये जब आप देखें तो सारा देखें तो आपसे गलत नहीं कह रहा, टोटल का तो 150 करोड़ से ज्यादा लग। 2 साल जो था कोविड था, किसान आंदोलन था, बीच में वैरी नहीं आ सकता, पर अब आपके बीच में आता हूँ, कई बार आप देखते हैं मुझे भी ऐसा नहीं मिलता साइलेंट हो जाना, पर पुलिस वालों को ट्रैफिक का केस करने के लिए बजाना पड़ता है, तो अंग्रेजों के बगल से सिस्टम है, और साइलेंट बजने का मतलब कि रणजीत सिंह हाजिरी दर्ज कराता है कि आपके शहर में घूमरा हूँ, आपका विधायक आपके शहर है, ये करके मैं कर रहा हूँ आपके शहर में रोज होता हूँ, पहले तो भूल जाओ, आपको हफ्ते में एक दिन होता हूँ। फिलहाल सरकार के शहर खड़ा है डीसी एसपी सारे स्टूडेंट सारे एससी इरीगेशन है पीडब्ल्यूडी पब्लिक है एसडीएम तहसीलदार डीडीओ नगर, मैंने मीटिंग बुलाई थी डेवलपमेंट की बात करी विकास की बात करी, सारे अधिकारी मौजूद थे, पहले ये सीन देखा है क्या कभी रानिया ने? पहले तो मंत्री देखा हो तो बता दो, आपने देखा सब वक्त आया, मैं वक्त आदमी को मिलता है,
मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। आप यहाँ से बनाओ, यहाँ से इसे चेयरमैन को आके भेजो। मैं आपको उनके भी जवाब पे विश्वास करें कि कभी कमी नहीं आएगी, कोई तरीके की गलती नहीं होगी, ना रंजीत सिंह करेगा, ना ये करेगा, ना आप करेंगे। और मैं सारी भीड़ से कह रहा हूँ, एक मौका है, वो ना होते हैं कि हाथ पहनने वाली बात हो जाए, हाथ से बदलने के लिए पेट्रोल जैसे गलती कर रखे हैं। मैं सत्य कहता हूँ, जितने हमारे वर्कर प्रधानमंत्री, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है कि साथ नहीं दे रहे, यू कर रहे, नौकरी कर रहे, मैं बता देते हैं, मैं कहते जा रहा हूँ, आपके भरोसे, आपकी भावना, आपकी फीलिंग देख के कह रहा हूँ। हाँ, दो दिन से मिले संगीत में कोई भी हरा सकता है, मैं आपको कहते जा रहा हूँ। और किसी के प्रकार में नहीं जाए, बेकार की बात है, किसी से कुछ नहीं होता तो इसके की बातें कहते हैं। क्या दो दिन शराबे करवा भी है जो दफ्तर में आके बैठ जाते हैं, ये बेचारा लड़ना ही नहीं चाह रहा था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं पूछ रही हूँ, अगर वो गलत हो तो रंजीत सिंह को जिम्मेदार बना लेना है, चौक में आया होगा। मेरे पास आपका गोपाल और उसका बेटा दोनों मेरे पास पहुंच गए हैं, मेरी कोशिश कर रखे कहेंगे, कहते जी ये अवैध सिंह को कई लोग है ना आगे करके हमें हमारे साथ धक्का हो रहा है, क्या आप अपने भतीजे को फोन कर दो, इसे धक्का दे। और बोले कि हम लड़ना नहीं चाह रहे, अगर इस बात को गोपाल और बाबा बना करके तो पैसे खा देते मेरे सामने आपके, तो लड़ना ही नहीं चाह रहे। कुछ लोगों ने दारू पीने के लिए अपना बैठे तक का देखा कि दारू पीने के लिए मजे लेंगे, ये करके खड़े कर दिए बेचारों ने, कभी दो पैसे नहीं खर्च करे, अब पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, ये भी उनके साथ बोलते लोग नहीं हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि दिमाग अपना दिए बात रखना, मजबूती से रहना, दीपक गावा के लिए रंजीत को उम्मीदवार है, अगर मेरे विश्वास को धक्का लगा तो फिर शहर का भी नेत्रों के बीच में गावाडोर हो जाएगा। अगर आप ये साथ देंगे कि रंजीत को यहाँ सेंट्रल पॉलिटिकली जिंदा रखना है तो इसका साथ है भाई। अगर कोई पूछो करके तो मैं भी आपसे बताऊँ शहर में भी हल्का बदलने का सोच, तो मेरे कुछ भी थोड़ी देखे रानी है जवाब दो, ये मेरा अपना भरोसा विश्वास करके आपको सौंप रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि रानी हल्के के लोग कोई गलती नहीं करेंगे, एक घूमेंगे तो एक बैठे करेंगे, और एक आदमी जी जान लगा के कामयाब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।